वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेकी वर्ल्ड टेक विद फन पे। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप अपना पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, आप एक गेमर है, अगर आप एक गेमर बनना चाहते हैं, आपने आप एक पीसी ले लिया है अपना और इसमें रैम वगैरह सब डाल दिया, लेकिन आप एक ग्राफिक्स कार्ड की तलाश में हैं, या और आपको लगता है कौन सा ग्राफिक्स कार्ड लें, ज़ोटेक लें या किसी अगर अलग कंपनी का लें, तो मैं आपको प्रेफर करने वाला हूँ यहाँ पर ज़ोटेक कंपनी का ग्राफिक्स कार्ड लेने के लिए। और मैं आपके लिए आज ऐसे ग्राफिक्स कार्ड का अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आया हूँ जो बिल्कुल चीप प्राइस में आपको अच्छे अच्छे गेम्स में बिल्कुल ही लैग नहीं होगा। जैसे कि आप पबजी खेलिए, GTA Vice City खेलिए या फ्री फायर कुछ भी गेम खेलिए, बिल्कुल ही लैग अपने कंप्यूटर में आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। और जो फिल्म हो रहा है या दूसरे एप्लीकेशंस की जो भी रेंडरिंग स्पीड होती है वीडियो एडिटिंग की, वो भी बहुत ही फास्ट, एक एक मिनट में फुल HD के वीडियोज एक एक मिनट में रेंडर हो जाएंगे। दोस्तों तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में ही बता दिया था, आज मैं करने वाला हूँ ज़ोटेक, जो एक ग्राफिक्स कार्ड की कंपनी है, बहुत ही जो फेमस कंपनी है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक ऐसी कंपनी है जो जिसमें NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड हम उसे कह सकते हैं, और जो इसका मॉडल है जिसका नाम है GeForce GT710, जो कि बहुत ही फेमस मॉडल है। तो आप सोचेंगे यार हमें एक नया ग्राफिक्स कार्ड लेना है और कैसा होना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कह दिया है कि ये जो ग्राफिक्स कार्ड है वन ऑफ द बेस्ट फेमस ग्राफिक्स कार्ड है, जिसके बारे में इसे कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंडिया के जो जो बड़े गेमर्स हैं सब लोग यही ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल ही चीप प्राइस में आपको मिल जाता है और आपकी जो PC है इसके सफिशियंट ये हो जाता है। अगर आप एक गेमर है जिसमें आप पबजी जैसे गेम खेलना चाहते हैं और उससे भी हाईली गेम खेलना चाहते हैं, ये आप ग्राफिक्स कार्ड आपके लिए नहीं है। अगर आप पबजी या पबजी से छोटे कुछ गेम्स होंगे, कार रेसिंग, GTA Vice City, ऐसे गेम्स इस ग्राफिक्स कार्ड की मदद से आप अपने PC में खेल सकते हैं। दोस्तों तो देखते हैं इसके कुछ मॉडल नंबर के बारे में। जो ये डिज़ाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर NVIDIA नाम के ऊपर, जो है स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिवेंट लिमिटेड, जो इसकी कंपनी है जहाँ से ये इंपोर्ट किया गया है। यहाँ पर कुछ एड्रेस दिया गया है और आइटम का नेम दिया गया है जिसपे लिखा है ज़ोटेक GT710 जोन एडिशन 2GB 64 बिट। ये जो है ये 64 बिट के लिए होता है दोस्तों। तो अब बात करते हैं दूसरे कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कहा ये 2GB का ग्राफिक्स कार्ड है जो सफिशियंट होता है स्मॉल गेमिंग अपने PC पर खेलने के लिए। अगर आपको कुछ वीडियो रेंडरिंग आपकी फास्ट नहीं हो रही है, आप कुछ बड़े वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पर, फिर भी ये चल जाता है दोस्तों, अगर आप प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर नहीं इस्तेमाल करते। अगर आप प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट्स जैसे सॉफ्टवेयर अगर इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इससे अच्छा वाला ग्राफिक्स कार्ड लेना होगा दोस्तों। अगर आप फिल्मोरा, ओपन शॉट, शॉर्टकट जैसे एप्लीकेशन अगर आपने PC में ले लेते हो, तो उसके लिए सफिशियंट नहीं कहूँगा, बहुत ही बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड इसे हम कह सकते हैं दोस्तों। हम इसे खोलते हैं फटाफट। तो दोस्तों मैंने इसका जो ग्राफिक्स कार्ड है जो मैंने PC में अपने लगा लिया है, दोस्तों मैं आपको PC भी बता देता हूँ। मैंने मेरा इस PC में जो है मेरा ग्राफिक्स कार्ड अभी लगा लिया है, क्योंकि मुझे निकालना ज़्यादातर नहीं आता, ये सब निकालना और ठीक करने का मेरा भाई काम करता है, इसलिए मैं आपको इसको निकाल कर नहीं दिखा सकता, लेकिन इसकी कुछ इमेजेस मैं आपको दिखा सकता हूँ, आपकी स्क्रीन पर इमेजेस शो हो जाएंगे दोस्तों। तो जो ग्राफिक्स कार्ड है वो हमने PC में अटैच कर लिया है, और दूसरा कुछ इस जो बॉक्स में आता है वो देखेंगे दोस्तों। ये पहले तो आती है ये CD। CD का क्या रूल है, क्या इस्तेमाल है, ये भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये CD इसलिए काम आती है कि अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड कुछ रीजंस की वजह से अगर एक्सपायर हो जाए या कुछ काम करना बंद कर दे, तो इसलिए ये CD होती है, जिसकी वजह से आप फिर से उसी ग्राफिक्स कार्ड को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, सॉरी सिर्फ कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ ये कुछ स्क्रैचेस आए हैं जो हमारे ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर लगे होते हैं। तो CD को खोल के देखते हैं क्या इंटरफेस है। वैसे सभी CD जो है वो एक जैसी होती है, आप पास से देखना चाहेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह की ये CD है, और इसको हम पॉकेट में रख देते हैं। तो और कुछ है, ये कुछ इंस्टॉलेशन गाइड है कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है, और ये कुछ इंस्टॉलेशन गाइड है जिसे इंस्टॉल कैसे करना है ये आपको बता देने वाला है। तो कुछ बहुत सारी लैंग्वेजेस में ये लिखा हुआ है जो पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन आप पास से देख लीजिए, ये कुछ ऐसा है। तो इसको बाजू में रख देते हैं। तो कुछ ये प्लास्टिक है और बस इतना ही होता है इस ग्राफिक्स कार्ड में।
तो दोस्तों ये ग्राफिक्स कार्ड बिल्कुल दिखने में सिंपल होता है, एक फैन लगा होता है, एक नॉच होता है जिसे हमें कंप्यूटर की जो सॉकेट होता है उसमें अटैच करना होता है, पर जिसकी ग्राफिक्स कार्ड का यूज़ ये होता है कि हमारे कंप्यूटर को कूल रखने में मदद कर देता है ये। तो दोस्तों और मैं ईजी लैंग्वेज में अगर समझाऊँ आपको तो होता क्या है, अगर एक ही आदमी आपके कंप्यूटर के सारे काम करे तो उस जो आदमी है उस पर बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है दोस्तों, और उस लोड को अगर कम करना है तो ये एक आदमी है इसे आपको काम पर लगाना है, जिसकी वजह से क्या होगा जो गेमिंग रेंडरिंग या वीडियो रेंडरिंग का काम है ये आदमी जो है उसका अपने सर पर वो काम ले लेता है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है दोस्तों। तो ये था आज का जो जोटेक 710 गेट फोर्स का अनबॉक्सिंग वीडियो, अगर ये आप खरीदना चाहते हैं तो अमेजोन से खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप ये किसी भी शॉप से खरीदेंगे तो आपको 300-400 रुपए एक्स्ट्रा से खरीदने के लिए देने होंगे दोस्तों, अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से खरीदते हैं तो ये आपको बहुत ही सस्ता मिल जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।